क्या आप सचिन बंसल को जानते हैं? ये वही शख्स है जिन्होंने भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप में से एक फ्लिपकार्ट को बनाया। सचिन बंसल ने 2018 में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट को बेच दिया और इसके कुछ महीने बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम को बदलने के लिए एक स्टार्टअप लाए, नावी टेक्नोलॉजी। 2018 में बना स्टार्टअप नावी टेक्नोलॉजी 2021 में आते आते प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बन गया। प्रॉफिट कमाना स्टार्टअप के लिए आसान काम नहीं है। पेटीएम और जोमेटो जैसे दिग्गज स्टार्टअप अभी भी लॉस मेकिंग कंपनियां ही हैं। नावी टेक्नोलॉजी 2022 में अपना आईपीओ भी ला सकती है। इस वीडियो के जरिए नावी की बिजनेस पोटेंशियल और बिजनेस स्ट्रेटजीज को हम समझेंगे, साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नावी के आईपीओ में या शेयर्स में निवेश करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। BFSI यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, नावी BFSI सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सचिन बंसल बताते हैं कि नावी सब नेविगेटर का शॉर्ट फॉर्म है। नावी के जरिए हम देश के आम लोगों के फाइनेंशियल नेविगेटर बनना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी जटिल होती है। ऐसे में आपको एक रास्ता दिखाने वाला या नेविगेटर की जरूरत होती है, नावी यही काम करेगा। नावी लैंडिंग, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और माइक्रो फाइनेंस के काम में है। इसके साथ ये यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए मंजूरी का इंतजार भी कर रही है। कंपनी ने माइक्रो फाइनेंस, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में कदम रखने के लिए कई एक्विजिशंस भी की है। कंपनी अपनी इन हाउस बनाई गई नई टेक्नोलॉजी के दम पर एक बैंक भी बनाना चाहती है। वर्ल्ड बैंक की इन्वेस्टमेंट बॉडी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IFC ने नावी में 4.5% स्टेक के बदले $30 मिलियन का ऑफर दिया था। आखिर नावी के बिजनेस में ऐसी क्या पोटेंशियल है? तो इसका जवाब है, BFSI सेक्टर इज अ सिंपली मैसिव। BFSI सेक्टर की भारत में साइज $1.86 ट्रिलियन है। नावी म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में उतर रहा है। अगर इसका मैं एक लाइन में जवाब दूं तो जवाब है, ये इंडस्ट्री सुप्रीमली प्रॉफिटेबल है। अब अपॉर्चुनिटी बड़ी है तो डेफिनेटली चैलेंजेस भी बड़े हैं। BFSI सेक्टर में लार्ज पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां, लेगेसी इंस्टीट्यूशन और कई सारे टेक स्टार्टअप लैंडिंग, पेमेंट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सहित कई फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि भारी भरकम कंपटीशन है। अब सवाल ये आता है कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर में सचिन बंसल की नावी क्या डिसरप्शन करेगी? सचिन बंसल का विजन है BFSI सर्विसेज को एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर और आसान बनाना तथा एंड टू एंड BFSI सर्विसेज का इंटीग्रेशन करना। सचिन बंसल आर्ग्यूबली सही भी दिखते हैं। भारतीय लेगेसी बैंक्स मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम को इंटीग्रेट करने में अभी भी स्ट्रगल करते ही दिखे हैं। बैंक्स ने ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, AI, API बैंकिंग और ओपन बैंकिंग टेक में प्रयोग जरूर किए हैं, लेकिन उसका अडॉप्शन लो स्केल पर ही हुआ है। और इसकी नहीं होने की दो प्रमुख वजह हैं, पहली गवर्नमेंट रेगुलेशन और दूसरी लैक ऑफ टैलेंट। यहाँ तक कि फुल फ्लेज्ड नियो बैंक यानी कि मोबाइल आधारित बैंक भी बिना लेगेसी बैंकिंग संस्था के खोलना भारत में एक सपना ही है। लेकिन सचिन बंसल ने इन सभी समस्याओं को ओवरकम किया है अपनी मास्टर स्ट्रेटजी से और नावी को एस्टेब्लिश भी किया। सचिन बंसल की पहली स्ट्रेटजी है एक्विजिशन। सचिन बंसल ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी और नावी टेक्नोलॉजी की तरफ से 20 से ज्यादा कंपनियों को खरीदा। DHFL जैसी जनरल इंश्योरेंस और SL जैसी म्यूचुअल फंड कंपनियों को खरीदा जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। इन एक्विजिशन से ना कोई खास यूजर बेस बढ़ा, ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आई और ना ही ये बड़े ब्रांड थे, बल्कि सचिन बंसल इन कंपनीज के थ्रू बैंकिंग सेक्टर में एंटर हो सकते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक बैंकिंग लाइसेंस लेने के लिए कंपनी का एक निश्चित वर्षों का अनुभव होना चाहिए, तो नावी मौजूदा प्लेयर को खरीद रहा है ताकि बैंकिंग लाइसेंस मिल सके। सेकेंड स्ट्रेटजी है रिजॉल्व द कस्टमर पेन पॉइंट। इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो कई कस्टमर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करवा ही नहीं पाते। इसकी वजह है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करवाना है तो आपको कई सारी फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, इसके बाद भी आपका क्लेम रिजेक्ट होने का खतरा बरकरार रहता है। यही कस्टमर का पेन नावी ने पकड़ा। नावी के प्लेटफॉर्म पर महज 90 सेकंड में हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है और 20 मिनट की मोबाइल पर प्रक्रिया से आपका क्लेम भी मिल जाता है। और दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी समस्या रिस्टोरेशन को भी नावी ने बेहतर बनाया है। मान लीजिए कि आपका 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके बीमार होने पर 8 लाख का क्लेम आपने पास करवा दिया, अब अगली बार आप 2 लाख का क्लेम करवा सकते हैं। सभी कंपनियां ऐसा ही करती है, जबकि नावी पर अगली बार क्लेम भी 10 लाख का ही मिलेगा, हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की, क्या नावी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए? नावी नो डाउट भारत के टैलेंटेड बिजनेसमैन द्वारा चलाई जा रही है।
सचिन बंसल नावी को इंश्योरेंस, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और माइक्रो फाइनेंस की नेक्स्ट लेवल की फाइनेंस कंपनी बनाना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगी। सचिन बंसल मानते हैं कि जिस तरह से UPI का भारत में अडॉप्शन हुआ, ये संकेत है कि नेक्स्ट सुपर एडवांस फाइनेंस प्रोडक्ट के लिए भारतीय ऑडियंस तैयार है। लेकिन इन्वेस्टमेंट किसी के विजन पे नहीं बल्कि फंडामेंटल्स और डाटा के आधार पे किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से नावी अभी बेहतर कंपनी है और BFSI सेक्टर में अभी और इसको अनुभव की जरूरत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर आपकी राय जरूर दें। ऐसे और क्वालिटी कंटेंट के लिए बिजनेस डिकोड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चचाओ।